आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? जी उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, हम भी ठीक है। आपके लिए दुआगो हैं, सब खुशबाश रहें, हंसते बसते रहें, आमीन। आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी आपको बता रही हूँ, ये इवन रमज़ान में भी बहुत काम आने वाली है। ये है स्वीट राइस बॉल्स, बहुत ही मज़े के यम्मी बनते हैं और क्रंची से। तो चले, इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये दो मैंने कप जो है बॉयल लिए हैं, ऑलमोस्ट बोल हैं ये छोटी वाली प्यालियाँ जो होती हैं, दो बॉयल राइस। यहाँ पे एक छोटी वाली प्याली नट्स ली है, क्रश मैंने मोटा मोटा पीस लिया है, और यहाँ पे शक्कर ली है एक कप, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे चार चार टेबलस्पून जो भर के लिए हैं वो लिए हैं उसके कॉर्नफ्लोर के, और यहाँ पे एग्स हैं और ऑयल चाहिए होगा फ्राई करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। जी अंडे तोड़ लेते हैं यहाँ पे वन बाय वन करके, पहले मैं दो डालूंगी फिर बाद में देखती हूँ अगर जरूरत है एक और ऐड करती हूँ। फिर अभी ये नट्स ऐड कर देंगे, शक्कर और ये कॉर्नफ्लोर, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर भी दो चम्मच और डाला मैंने, शेक देके आप स्पून से भी डाल सकते हैं। जी तो ये हम दूसरा बना रहे हैं राइस मीट बॉल्स, स्पाइसी वाले थोड़े से, ये भी रमज़ान में बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक बोल जो एक प्याली होती है वो भर के उससे थोड़ा सा ज़्यादा है ये राइस लिए, और यहाँ पे मैंने चिकन बॉईल करके इसको शेक कर लिया था से सॉल्ट डाल के, और यहाँ पे मैंने लिया है रेड चिली पाउडर एक टेबलस्पून, एक टेबलस्पून ब्लैक पेपर, एक टेबलस्पून सॉल्ट और तीन चार सब्ज मिर्चें ली हैं। यहाँ एक अंडा चाहिए फ्राई के लिए, और यहाँ मैंने मैदा लेके उसमें रेड चिली पाउडर और सॉल्ट डाल के इसको मिक्स करके रख लिया है, और यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिए हैं, और ये थोड़ी सी चीज़ है, ग्रीन धनिया भी है, ये थोड़ा सा ये भी मैं ऐड कर दूँगी। ये क्या, इस पर ग्रीन धनिया, ये चिकन, रेड चिली पाउडर, ये स्पाइसेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ब्लैक पेपर और ये सॉल्ट और ये चीज भी अभी मैं डालती हूँ एक मिनट। पानी वाला हाथ लगा के हम सबके बॉल बॉल बना लेंगे। ये देखिए ये कितना अच्छा मिक्स हो गया सारा। सारी मैं बना के रख लूँगी फिर इकट्ठे फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ। जो है राइस मीट बॉल्स बन के तैयार हो गए, इनको मैंने हाथ से मसल के बना लिया था अच्छी तरह पानी लगा के। तो आप अगर चिकन नहीं डालना चाहते, वेजिटेरियन है, तो आप कोई सी भी बारीक बिल्कुल वेजिटेबल्स काट के और वो डाल सकते हैं इसमें, इवन प्याज और थोड़े से कैबेज। तो ये अभी हम इधर, यहाँ पे है हमारे पास मैदा, इसमें मैंने सुरख मिर्च और नमक डाल लिया था मिक्स किया, यहाँ पे ब्रेड क्रम्स और यहाँ अंडा, पहले मैं इसको अंडे में रोल करूँगी और फिर यहाँ मैदे में, ड्राई हाथ आपने यूज़ करने हैं बिल्कुल। फिर ये ब्रेड क्रम्स हल्के हल्के लगने चाहिए इस पर, ज़्यादा नहीं, यहाँ मैंने ऑयल गर्म किया उसमें डाल दूँगी। ऑयल को गर्म करके फिर आपने इसको ना मीडियम पे करना है, तब फ्राई होंगे। बन के बिल्कुल तैयार हो गया, ये सारे देखे बन के तैयार हो गए। अभी मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ
टेस्ट करके कैसे बने हैं। जी तो ये देखें, ये सब कुछ तैयार है यहाँ पे, ये इतने मजे के बने, मेरी बेटी ने टेस्ट किए, उसने बताया मुझे। ये देखें, कोई भी नहीं, आप जज नहीं कर सकते किसमें ये किस चीज के बने हैं। मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ। बहुत ज्यादा मजे के हैं, और शक्कर के साथ तो ये है कि वो इतना, वो शुगर ज्यादा होने का खतरा भी नहीं होता, और शक्कर वैसे भी उससे जरा कम लो में आ जाती है, तो सही होता है। मैं ये भी टेस्ट करके बताती हूँ आपको। ये देखें, ओह माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकती कि इतने मजे के हैं। आप लोग जरूर यही रेसिपी फॉलो कीजिएगा और ट्राई करें, रमजान में बहुत मजा देने वाले हैं ये, आपकी फैमिली बहुत खुश होगी। चले मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।